कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने काले धन को वैध बनाने पर यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग पर केस दर्ज किए हैं। इसके चलते रॉबर्ट वाड्रा से पहले दिन जहां 6 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई तो वहीं इसके बाद अब रॉबर्ट वाड्रा की मां को भी 12 फरवरी को ईडी के अधिकारियों के सवालों के जवाब देने होंगे। ये मसला आखिर है क्या, क्यों रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ईडी ने वाड्रा पर क्या क्या केस दर्ज किए। पहला केस जो वाड्रा के नाम दर्ज है वो लंदन में अवैध प्रॉपर्टी होने का केस है। ईडी के सूत्रों के अनुसार लंदन के ब्रांस्टन स्क्वायर में 1.9 मिलियन पाउंड्स यानी कि लगभग 17 करोड़ की प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा के नाम है। इतना ही नहीं, ब्रांस्टन मेंशन के अलावा वाड्रा के नाम 2 संपत्ति और हैं, जिनकी कीमत लगभग 37 करोड़ और 46 करोड़ बताई जा रही है। ईडी का कहना है कि इसके अलावा वाड्रा के नाम 6 अन्य फ्लैट्स और भी हैं। ईडी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से लंदन में वाड्रा के पास 12 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी है यानी कि 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति। अब आते हैं दूसरे केस पर, बीकानेर लैंड डील मनी लॉन्ड्रिंग केस। साल 2015 सितंबर के महीने में ईडी ने ये केस दर्ज किया था। इस केस में ये आरोप लगाया गया था कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने बीकानेर के कोलायत में उस जमीन पर अधिग्रहण किया जो कि गरीब गांव वालों के पुनर्वास के लिए थी। 69.55 हेक्टेयर की ये जमीन रॉबर्ट वाड्रा ने पहले तो बेहद सस्ते दाम में खरीदी और फिर इसे उस कंपनी को 5.15 करोड़ में इलीगल ट्रांजैक्शंस के जरिए बेच दिया, जिस कंपनी का खुद कोई आधिकारिक रिकॉर्ड था ही नहीं, जिसके शेयर होल्डर्स तक को फेक माना जा रहा है। अब आते हैं तीसरे केस पर। तीसरा केस जो वाड्रा के नाम दर्ज है वो कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान साल 2009 में हुई पेट्रोलियम डील है। इस केस में ये आरोप लगाया गया है कि साल 2009 में हुई सरकारी पेट्रोलियम डील के जरिए रॉबर्ट वाड्रा और उसकी कंपनी को बड़े फायदे पहुंचाए गए थे, जिससे कि रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में संपत्ति खरीदी। ये आरोप उस वक्त बीजेपी के द्वारा लगाए गए थे। बता दें कि ये केस पिछले कई सालों से चलते आ रहे हैं। साल 2014 के बाद इस केस पर अब जाकर साल 2019 में ईडी के सामने रॉबर्ट वाड्रा पेश हुए हैं। इससे पहले पिछले 5 सालों में ईडी के सवालों का जवाब रॉबर्ट वाड्रा के वकील दे रहे थे। इन केसों में फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा ने एंटीसिपेटरी बेल ले ली है और प्रियंका गांधी ने साफ शब्दों में ईडी की पूछताछ को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। फाइनल कट न्यूज डेस्क। मनोरंजन से लेकर राजनीति तक, अजब गजब से लेकर ऐतिहासिक तक, हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें